जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को नगर निगम सदन हॉल में विभाग के सफाई ठेकेदारों, नोडल अधिकारियों, कर्मचारियों और सुपरवाइजरियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में ठेकेदारों को सफाई कर्मियों के भुगतान संबंधित आवश्यक निर्देश दिए हैं, जिसमें जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सफाई कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी हो, 15 दिन के अंदर सफाई कर्मियों को भुगतान किया जाए, नालों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, सड़कों पर नाले का सिल्ट इकट्ठा ना हो, सड़कों पर सिल्ट पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। दीपावली से पहले महानगर को गंदगी से मुक्त कराना है। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त DK सिन्हा, महाप्रबंधक जलकल PK गुप्ता, मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र सहित विभिन्न वार्डों के सुपरवाइजर और नोडल अधिकारी सहित कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन ने कहा, कहीं सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, प्रोत्साहन समिति है, ये हमारा काम साफ है, जैसे भी आप लोगों ने देखा होगा केवल
सेवा होगी वो रहा है, वो कितना होगी भी काम नहीं है, और वेस्ट डिस्पोजल भी ढंग से नहीं हो रहा, उसके सिस्टम बना लेंगे काम को अपन मॉनिटर करेंगे डिसेंट्रलाइज करके वार्ड वाइज उसके कलेक्शन पॉइंट वार्ड वाइज सोर्स में सेग्रीगेट करके कैसे कर सकते हैं उससे हम चालू करेंगे, उसका प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा, जनता का भी साथ लेके जाना पड़ेगा, अकेले हम लोग सफाई करते रहे करते रहे कब तक करते रहे, जनता का अंदर भी जागरूकता लाना पड़ेगा, उसको भी सी एस आर फंडिंग माध्यम से किसी के माध्यम से आपका उन लोगों का बुरा दान प्रयोग करना है तो उन लोगों का बुरा दान के लिए योजना करवाएंगे, उसके अलावा जो लोगों को जागरूकता करा करके और भी इंसेंटिव के लिए कोई प्रेस मनी देना है जो सेग्रीगेट करके करने वाले कर्मचारी को भी हम प्रस्ताव देंगे, सेग्रीगेट करके जो देने वाले घर को भी घर वाले को भी प्रस्ताव देंगे, उसके लिए अलग व्यवस्था करा करके मोटिवेट करेंगे ताकि सेग्रीगेट करके आता रहता है नब्बे परसेंट समस्या वहाँ से ही दूर हो जाता है, उसके बाद उसको शुरू करना बहुत आसानी चीज वहाँ से सेग्रीगेट हो जाता है, इतने चीज सड़ जाता है वो आराम से कंपोस्ट बना सकते हैं 45 दिन में कंपोस्ट बन जाता है, बाकी प्लास्टिक इत्यादि बनाने के लिए गोरखपुर में इतने सारे ठेकेदार हैं आराम से कुछ कुछ ले जाएंगे, उसको पैसा भी हम सफाई कर्मचारी के ही दे देंगे, जो कितने जो चीज है प्लास्टिक है पॉलिथीन है जो भी चीज है जो यूजफुल है यूजेज लायक है उसका पैसा भी हम लोग सफाई कर्मचारी के दे देंगे, तो उनका कल्याण होगा, और भी संगठन है रोटरी क्लब है हमारा जो सिविल डिफेंस है सभी लोग कंधे से कंधे नहीं ऐसे नहीं है, गोरखपुर बड़ा बड़े बड़े शहर तो आराम से सफाई कर सकते हैं, हमसे 10 गुना 20 गुना बड़ा जनसंख्या वाले शहर हमसे बेहतर सफाई का व्यवस्था कर सकते हैं, हमसे कम साधन से हम क्यों नहीं कर सकते हैं, एक ही चीज मिसिंग है जो बस ईमानदारता और इच्छा शक्ति, फिर इसे जो भी चीज़ है हम खुल के बात करते हैं थोड़ी देर के लिए और बाकी चीज़ हम तो उसके बाद जेपी सिंह नगर निगम का बैठक थी, खासतौर पे सफाई का एक अभियान चलाने के लिए बैठक थी और जो दिवाली के पहले हम लोग लग करके काम करेंगे, इस पर कितने एजेंसी इन्वॉल्व है कितने कर्मचारी है कितने सफाई कर्मचारी है सबको हम लोग एक्टिवेट कराया है, कल से सुबह 6 बजे से हम लोग का अभियान चालू होगा, दिवाली के पहले एक अच्छा शहर के रूप से गोरखपुर उभर के आएगा दिखेगा।